आर वाचिंग दिल्ली न्यूज। जो बात किसी को मालूम नहीं, वो बात ये है कि हमारा लव अफेयर था। दोस्तों, उसूब अबरानी एक नामचीन आदमी है, एक रेप्यूटेड सोशल वर्कर है और एक्स एमएलए भी रह चुके हैं। आज उनका जन्मदिन इस्लाम खान जिम खाने ने मनाया है। उनकी फैमिली है, यहाँ पर एक छोटा सा परिवार है। इनका शहजाद है, उनकी दोनों बहन है, शहजाद की वाइफ है और ये बच्ची है शहजाद। हाँ, इसकी बेटी नहीं बोल सकते हम लोग, बताना पड़ेगा। शहजाद, कैन यू इंट्रोड्यूस योर फैमिली प्लीज़, इसूब भाई की, क्योंकि लोगों ने आज तक हमेशा इसूब भाई को देखा, उनकी फैमिली नहीं देखी है। अस्सलाम वालेकुम, ये मेरी बड़ी बहन है सना और ये मेरी बहन की लड़की है और ये सलमान है। सलमान कब है? और ये मेरी बहन की लड़की है, ये शिफा का हस्बैंड सलमान। सलमान तो जानते हो जी। बात करते हैं, एज अ डैडी आप क्या समझते हैं इसूब भाई को, मतलब हाउ यू टेक योर डैडी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने बहुत ही अच्छे माँ बाप से नवाजा है और अल्हम्दुलिल्लाह डैडी मम्मी दोनों ही बहुत ही मतलब अंडरस्टैंडिंग है, हम लोग को समझते हैं और हम उनसे बहुत प्यार करते हैं, हम उनसे बहुत प्यार करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बस दुआ है कि अल्लाह उनको सलामत रखे, लंबी जिंदगी तंदुरुस्ती आती रहे और सभी से गुजारिश है कि अपने माँ बाप के साथ में अच्छा फरमाबरदारी करे और माँ बाप से भी गुजारिश है बच्चों को समझे और बच्चों के साथ आगे बढ़े इंशाल्लाह। जी, सना से बात करते हैं, आप अपने डैडी को कैसे देखे अभी तक लाइफ में, थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे? फॉर्मल आंसर मत देना सबकी तरह कि मेरे डैडी बहुत अच्छे हैं, वन ऑफ द बेस्ट डैड इन द वर्ल्ड, एक समथिंग एक्स्ट्रा, समथिंग अलग। स्टार्ट हो गया? हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पापा बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इतने अच्छे डैड है मेरे कि मैं कुछ बोल ही नहीं सकती हूँ, क्या मैं बोलूँ अभी। बहुत ज़्यादा मेहनत किए हम लोगों के साथ में, हम लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए है एंड ही इज़ बीन ऑल, मतलब पूरी लाइफ हम लोग को इतना सपोर्ट किए कि पूछने की हद नहीं। आज टुडे आई एम स्टैंडिंग हियर इज ऑल बिकॉज ऑफ हिम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बस मैं इतना ही बोलूंगी। आप शहजाद से बड़े हो? हाँ, मैं सबसे बड़ी हूँ। तो बड़ी होने का आपने क्या फायदा उठाया अब तक अपने पूरे ग्रुप में? बहुत फायदा उठाया, बहुत फायदा। ये तो उनकी छोटी बहन बताएगी। पैम्पर्ड चाइल्ड नो, आई थिंक सबसे ज्यादा पैम्पर, नहीं नहीं सबसे ज्यादा पैम्पर, शी इज अ फेवरेट, शी इज माय डैड्स फेवरेट माशाल्लाह। अभी तक, अभी तक हम लोग ऑल टाइम, ऑल टाइम। अगर हम लोग डैडी नाराज होंगे तो यही मना सकती है और कोई मना सकता? हमारा भी कोई काम रहेगा तो हम आपको आके रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि हमारा कुछ काम करवा दो। हाँ, आप इनका नंबर ले सकते हो। कभी ऐसा लगा कि जेलस फील हो गए कि डैडीज को इतना वो करते हैं आज तक? नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जेलसी है नहीं, हम लोग भाई बहनों में बहुत ज़्यादा वो है, सपोर्ट है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सम पे, कभी भी ऐसा नहीं हुआ है जेलसी। मेरे को जेलसी होती इन लोगों से, इन लोगों मेरे से जेलसी नहीं होती। बात करते हैं बहू से, जो हाउ डू यू फाइंड एज अ फादर इन लॉ? बेस्ट फादर इन लॉ इन द वर्ल्ड। फॉर्मल आंसर मत, कुछ बुराई करो ना इसूब भाई के, डांटे हैं दाल में कभी ऊंचे आवाज से मेरे से बात नहीं की, डांटना तो बहुत दूर की बात है। नहीं, आपको एक बात बताओ, जिस दिन मेरी शादी हुई सलीम भाई, जिस दिन मेरी शादी हुई, ये बोलने की बात है मतलब अल्लाह जानता है, जिस दिन मेरी शादी हुई ना, मेरे को मेरे डैडी ने बोले कि ये जो घर पे आ रही है ना, ये ना एक यतीम के बराबर होती है। बेटा, तूने अगर इसको दुख दिया ना, अल्लाह ना करे, तो पहला घर से तू जाएगा बाहर, ये रहेगी घर के अंदर। ये मेरे को मेरी शादी के जिस हम लोग रिसेप्शन खत्म करे घर पे, कितना मेरे को डैडी ने बोले थे ये बात। ये तो बहू को उन्होंने कहा है, दामाद से ध्यान रख इतना। हाँ, अभी दामाद से पूछते हैं, आप बताइए इसूब भाई के बारे में। इसूब भाई के बारे में, इसूब भाई मेरे लिए पापा है सबसे पहली बात तो। आपके पापा सुन रहे हैं, आपके पापा सुन रहे हैं, याद रखो। बहुत मानता हूँ, मतलब ही इज माय आइडल, मतलब मैं चाहता हूँ जब मैं बड़ा हूँ, उनकी उम्र का हूँ, तब मैं उनकी तरह फिट रहूँ, उनकी तरह काम रहूँ। मतलब मैंने उनको कोई भी चीज़ के लिए ना नहीं बोलते हुए देखा है, ये हाँ हो जाएगा, हाँ ठीक है, मतलब मेरे को नहीं है और लोगों को भी, कि हाँ हो जाएगा, बस हो जाएगा। तो आप है ना, जो भी कहूँगी सच कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं, ये जो बोल रहे सही बोल रहे, सही है, सही है, पक्का क्या ऐसे ही बोल रहे क्या? नहीं नहीं, सच बोल रहे, सही है। हाजरा, कौन है सुबह आपके? मेरे नाना है। कैसे है नाना? मेरे नाना लाइक द बेस्ट नाना। सब बोलते बेटा, समझिए अलग। आइसक्रीम खाने देते हैं? हाँ, सब कुछ खाने देते हैं। पढ़ाई करने बोलते हैं? लाइक कभी कभार जब एग्जाम हो गए, फाइनल एग्जाम। ये तब तो बहुत अच्छे पापा है, खाली एग्जाम के टाइम पे पकड़ने में पढ़ने बोलते हैं। और आते हैं हमारे जो है स्टार के साथ, बेटा हाउ डू यू फाइंड इसूब अबरानी? ही इज द बेस्ट ग्रैंडफादर एवर, वर्ल्ड रिकॉर्ड है मेरे दादा के पास। हाँ? मेरी हर बात सुनने का। चलो एक बार वो बोल दे जो मुझे बोला था तूने, वो बोल दे। नहीं नहीं, सुनो तो क्या बोला था, बोल मेरे को। क्या? मैंने इसको पूछा कि ये हमेशा मेरे को हर प्रोग्राम कैसे कवर करना ये बताता है,
आता है मेरे को बोलता है अभी ऐसा कवर कर, तो मैंने पूछा भाई इधर अभी समझ में नहीं आ रहा है या सब ये कर रहे हो कर, मैं कैसे कवर करूँ? बोलता है आप माइक लेके जाइए और सबसे पूछिए यूसुफ अबरानी कैसे हैं, यूसुफ अबरानी कैसे हैं। बोले फिर कोई बोलेगा कि यूसुफ अबरानी बोल इस्लाम नीम खाने को कितना बदलाव करे, अगर सोचो वो हेल्थ मिनिस्टर रहते तो देश के हॉस्पिटल का क्या ये करते, ये इसके वोटे। जरा मैं चाहता हूँ वापस तू बोल, अगर हम लोग किसी भी इस्लामी खाना पूछे हुए किससे भी इस्लाम जिम खाना इस सुबह ने कितना बदले, कितना बदले, तो अगर मेरे दादा हेल्थ मिनिस्टर बन गए इंशाल्लाह तो जो हॉस्पिटल होंगे ना, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल वो रिलायंस हॉस्पिटल जो है ना उसके जितने रिलायंस हॉस्पिटल जितने होंगे ट्रीटमेंट एक ही होगा इंशाल्लाह। बहुत आपकी फैमिली है माशाल्लाह, लोगों ने कितना जन्मदिन है आपका? 68 अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह उम्र दराज करे, अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी तंदरुस्ती दे और हमारे सर पर हमेशा इनका साया सलामत रखे, मेरे और मेरे बच्चों के सर पर हमेशा इनका साया सलामत रखे और नेक करे और नेक कामों में इनका अल्लाह ताला। इन्होंने हमारे को कार्ड दिया है, हम आपको बता दें यूसुफ अबरानी की वाइफ हैं, कई सालों से, कितने सालों के सुबह है आपके? 36 ईयर्स शादी हो, 40 माशाल्लाह। ये भूल भी गए, 4 साल कहाँ गए, 4 साल क्यों गए? अच्छा, कैसे लगे आपको आपके हस्बैंड 40 साल के, 40 साल के अपने ज़िंदगी के सफ़र में, नीचे ऊपर चढ़ाओ? अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा चढ़ाओ 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 हुए, कभी उतराव हुआ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत अच्छे, हमारी लाइफ बहुत अच्छी गई, इज़ अ वेरी लविंग पर्सन, वेरी केयरिंग पर्सन फॉर मी, फॉर माई चिल्ड्रेन, फॉर ऑल ऑफ देम, फॉर ऑल हिज फ्रेंड्स, फॉर ऑल हिज फैमिली। ये तो नॉर्मल पैटर्न है, नॉर्मल पैटर्न है, मेरी वाइफ भी ऐसे ही बोलेगी मेरा आदमी अच्छा है। कोई ऐसी बात बताइए आप बिंदास कैमरे पर बोल सकते हो कि कुछ ऐसी बात यूसुफ भाई की नाराज़ होते तो कौन मना था? अभी मैंने देखा कौन किसको मनाया। नहीं नहीं, मेरी अभी तबीयत बिगड़ी थी ना, इसकी वजह से वो मेरे को थोड़ा एंटरटेन कर रहे थे कि तबीयत सही हो इंशाल्लाह। बाकी वो हम इज़ वेरी केयरिंग, इज़ वेरी केयरिंग। मेरी अगर तबीयत बिगड़ जाए तो ऊपर नीचे। कोई ऐसी चीज़ जो आपको अभी तक याद हो इस सुबह के बारे में, कोई ऐसी चीज़? कोई चीज़ नहीं, कभी दाल में नमक हो गया, कम हो गया, बॉडी कम आ गया तो चिल्लम चाली, ऐसे कोई आवाज़ किया? सवाल ही नहीं है उनका, कोई सवाल। भाभी जी को कुछ एकदम लाने से पहले? माशाल्लाह घर में तो हर तरह के खाना बनता है, बहुत सारा खाने होते हैं ना, अगर एक आइटम अच्छी नहीं, ये तो खाली मुहावरा था भाई, ऐसे तुम्हारे मिजाज की बात हो नहीं, हमारे में तो दो वेजिटेबल दो मिजाज की बात हो रही है, मिजाज नहीं माशाल्लाह। कभी भी कोई वो नहीं, बहुत कूल आदमी हूँ, मुझे अगर बदला लेना है तो मैं अपने हिसाब से लेता हूँ। जी क्या क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं, कभी भी हम लोग के बीच में नोक झोंक भी नहीं हुई, अल्लाह का शुक्र, कभी एक झगड़ा नहीं हुआ। कैसे? वेरी नाइस, आई एम टेलिंग यू ना, वेरी फादर, एज अ फादर वेरी नाइस। बच्चों लोग ने बताया कि बड़ी वाली को बहुत चाहते हैं, प्यार करते हैं। ऑफकोर्स बच्चे में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, होता है, ऐसा नहीं है सब बच्चे बराबर होते, लेकिन किसी पे ज्यादा प्यार होता है। शहजाद एक लौता लड़का है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इसको बड़ी बेटी को ज्यादा प्यार करते हैं कि शहजाद को? ये बड़ी बेटी को, सना, ये बड़ी बेटी को सना, शहजाद और शिफा मेरे, शिफा और शहजाद दोनों। और ग्रैंडफादर के हिसाब से कैसे हैं ये दादा पोते? अरे बहुत लविंग है, ग्रैंडफादर के हिसाब से तो बहुत लविंग है। अभी कुछ एक आधी सुबह ऐसी बात बता दो कि मतलब लोगों ने आज तक कभी सुना नहीं हो आपके बारे में, आपकी फैमिली के बारे में, भाभी के बारे में। नहीं, जो बात किसी को मालूम नहीं हो, बात ये है कि हमारा लव अफेयर था। अरे वाह क्या बात है, कितनी जोर से मेरे भाभी, ये मेरे भाई बैठे उनको पूछो भाई, थोड़ा सा आप हम लोग के अरेंज मैरिज है, हम बोले तो हकीकत ही होगी ना यार। जी बोले सुबह, कैरी ऑन करो। ये घर के सामने घूमते थे बार बार यहाँ से वहाँ, तो मैं समझ गया, पूछा क्यों, तो बोले शादी करने वाले कर लेते हैं जी, तो लव का मैरिज, लव लव अरेंज, लव का मैरिज, लव फिर बाद में रिश्ता डाले कबूल हो गया। झूठ बोलते हो, बहुत बहुत शुक्रिया।